अंतर्राष्ट्रीय कार्तिक मेले की तैयारियों को लेकर आहूत पुष्कर नगर पालिका की विशेष बैठक एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई। जिस तरह का नजारा पूर्व की साधारण सभा में देखा गया, एक बार फिर वैसे ही झलक देखने को मिली। पालिका अध्यक्ष मजबूर नजर आ रही थी, अधिशासी अधिकारी अनजान। कांग्रेस और भाजपा के पार्षद पूर्व की बैठक की प्रोसीडिंग उपलब्ध कराने पर अड़ गए। पार्षदों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक प्रोसीडिंग नहीं दी जाती, बैठक नहीं चलेगी। पालिका अध्यक्ष ने कार्तिक मेले के महत्व का हवाला देते हुए कई बार पार्षदों से मिन्नतें की, लेकिन पार्षद नहीं माने। आखिरकार पालिका अध्यक्ष ने बैठक को स्थगित कर दिया। बैठक में कई बार हंगामा होता रहा और अधिशासी अधिकारी देखते रहे। कांग्रेस बोर्ड में ही जब कांग्रेसी पार्षदों ने विकास पर सवाल उठाए, तो भाजपाइयों ने भी मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाजपाई पार्षदों ने कहा कि जब कांग्रेसी पार्षद अतिक्रमण और अवैध निर्माण के आरोप लगा रहे हैं, तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही। जब निराश पालिका अध्यक्ष बैठक छोड़कर चली गई, तो कांग्रेसी पार्षद बैठक जारी रखने पर अड़ गए, जिसका कुछ भाजपाई पार्षदों ने सहयोग किया तो कुछ ने विरोध। पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ हो गई कि पुष्कर के विकास से बढ़कर पार्षदों के लिए एक ही एजेंडा है कि किस तरह पालिका अध्यक्ष को बैकफुट पर लाया जाए। पालिका अध्यक्ष ने भी स्पष्ट कर दिया कि यदि पार्षदों का सहयोग नहीं मिला तो राज्य सरकार से मेले के बजट की स्वीकृति ली जाएगी। अधिशासी अधिकारी सहदेव दान चारण ने बताया कि पालिका अध्यक्ष के निर्देशानुसार बैठक स्थगित की गई है। आज ये विशेष बैठक रखी थी पुष्कर मेले के लिए, तो दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक मुद्दों को लेके उलझ गए थे, इसलिए मैंने ये मीटिंग कैंसिल कर दी, क्योंकि ये खुद ही पक्ष और विपक्ष दोनों ही नहीं चाह रहे हैं। तो मैंने तो फिर सवा घंटा हो गया, तो फिर मैं खुद ही उठ के आ गई। अब जब पक्ष और विपक्ष ने कहा कि हमारे जो पूर्व में वो मीटिंग हुई थी, खाद्य सुरक्षा पर मीटिंग हुई थी, उन पर जो सूची बनाई गई है, क्या वो सूची पर्याप्त है? क्या पर्याप्त नहीं है? प्लस मीटिंग में हमें भी अवगत नहीं कराया गया, और चेयरमैन साहब ने कहा कि आज तो ये मीटिंग केवल पुष्कर मेले के पर्पज से ही की गई है और इसी मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, हमें पहले पूर्व मीटिंग का हवाला दो। तो काफ़ी समय तक उन्होंने इंतजार किया, फिर ये कहते हैं चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं घोषणा करती हूँ कि आज की मीटिंग मीटिंग को वहाँ से पोस्टपोन कर दिया। हम लोग 4 साल से ये चिल्ला रहे हैं कि इस बोर्ड के अंदर कुछ भी काम पुष्कर का नहीं हुआ, जिससे आज ये सिद्ध हो गया कि सभी पार्षद एक स्वर में ये कहा कि कोई भी काम विकास का कार्य पुष्कर के अंदर अभी तक नहीं हुआ है। और मीटिंग हम पुष्कर मेले में बहुत अच्छी व्यवस्था हो, बहुत अच्छा मेला भरा है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है, इसके लिए अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए हम लोग बैठे थे और विगत बैठक की हम वो प्रोसीडिंग मांग रहे थे, जिस पे चेयरमैन साहब नाराज होकर के नीचे उठ के चली गई, जबकि सब पार्षद अभी तक